पाकिस्तान में एक 2% का डिप्टी कमिश्नर या 2% का कोई एमपीए एमएनए जब जा रहा होता है, कोई डीपीओ डीआईजी जा रहा होता है, तो उसके लिए रोड बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पे मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी है जिसको मैं देख के जिसे कहते हैं आई वॉज इम्प्रेस्ड एंड आई वॉन्ट यू पीपल टू वॉच दिस वीडियो एंड ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ दुबई किंग। आप देख सकते हैं उसके काफ़िले को कि वो एक जीप से उतरे हैं और किंग हैं, दुबई के किंग हैं, और वो जो है आ रहे हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोड बंद नहीं, कोई मॉल बंद नहीं, सब कुछ खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जनरल जो पब्लिक है, आम जो आवाम है, आम लोग जो हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो विज़िटर्स हैं, जो वहाँ पे शायद जॉब होल्डर्स होंगे या बिजनेसमैन होंगे या आम शहरी हैं वहाँ के, तो वो वहाँ पे आप देख सकते हैं मूवमेंट कर रहे हैं और किसी किस्म का भी कोई रोक टोक या कोई तलाशी वलाशी कुछ भी नहीं है या कोई हटाना वटाना नहीं है लोगों को। इस वीडियो में जो सबसे इम्प्रेसिव पॉइंट है मेरे लिए और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब एक औरत सामने से आ रही है तो किंग जो है, किंग ऑफ दुबई, उसने रास्ता अपना तब्दील कर लिया, उस औरत को अपना रास्ता दे दिया कि वो औरत पहले चली जाए तो फिर मैं उसके बाद अंदर चला जाऊंगा। तो ये जो है, ये कौमें होती हैं और ये उसूल होते हैं और ये कवानीन होते हैं, मतलब कि उस मुल्क का बादशाह भी उस कानून की हिफाजत करे, उस कानून का लिहाज रखे, अपने लोगों का लिहाज रखे, अपने मेहमानों का लिहाज रखे। आप ज़रा सोचें बारीक बीनी से कि क्या इज़ दिस पॉसिबल इन दिस कंट्री विच नेम इज़ पाकिस्तान। क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान में ऐसा हो जाए? पाकिस्तान में एक 2% का डिप्टी कमिश्नर या 2% का कोई एमपीए एमएनए जब जा रहा होता है, कोई डीपीओ डीआईजी जा रहा होता है, तो उसके लिए रोड बंद कर दिया जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, डीआईजी जब निकलते हैं अपने बंगले से, डीपीओ निकलते हैं, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले रोड बंद कर देते हैं। जब वो साहब गुजर जाते हैं तो उसके बाद रोड खोल देते हैं। तो ये इस किस्म की जो हरकतें हैं, ये आवाम में और इंतज़ामिया में एक किस्म की वो दूरियाँ पैदा कर देते हैं कि शायद हम कुछ और मखलूक हैं और ये जो जीप में आगे से जा रहे हैं पराड़ों में और उसके आगे पीछे पुलिस वाली गाड़ियाँ जा रही हैं, ये कोई और मखलूक है। तो ये कौमों और जो हजूम होते हैं उनमें ये फ़र्क है कि हम जो है वो हजूम नुमा कौम है और वो कौम नुमा कौम है।